आलम गांगुली और आप देख रहे हैं सोना न्यूज हर पल नजर। आगे बढ़ते हैं खबरों की ओर। ये बता देंगे अभी थोड़ी देर जो हमारे प्रथम सूची आएगी कल जरूर, लेकिन चूंकि 13 तारीख है अंतिम तिथि है वहाँ की, तो कई चीजें अभी होमवर्क नहीं हो पाया है जल्दी में, इसको हम आपको रिपीट नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन अगर कोई भी इस तरह का संदेश होगा तो थोड़ी देर में आपको हमारे प्रवक्ता आपको ब्रीफ कर देंगे। आज धन्यवाद, आज ये 5-6 बिंदु रहने दीजिए, बाकी हम जल्दी जल्दी आप लोग से मिल रहे हैं। आज जो बैठक होगी आपकी उसकी जानकारी हम लोग को मिल पाएगी? बिल्कुल से, मैं निकल के आपके प्रतिनिधि वहाँ पर निश्चित रूप से रहेंगे, बताऊंगा या फिर वहाँ से यहाँ आके बताऊंगा। जैसा बैठक का समय कुछ तय हो पाया? 11:15 नहीं, अगले बार जब पार्लियामेंट की घोषणा मैंने करी थी तो रात को क्या 12 बजे या 1 बजे हुआ था? 12:30 बजे रात को हुई थी। ये हम जब बिहार गए थे ना तो उधर ही बताया था हमको, हम आराम से सो रहे थे, पहला प्रतिनिधि बन के गए थे, उधर से कुछ नेता आए बोले पे आप सो रहे हैं, पर हमारे सोने का समय 11 बजे तो सोना चाहिए, तो बोले अरे यहाँ राजनीति तो रात को होती है बोल रहे हैं। तो उस दिन से मैं भी कई लोगों को उदाहरण देता हूँ, जब सो जाता है पर राजनीति रात को होती है। सुदेश जी, आज सु जो है झारखंड के मुद्दों पर ज्यादा फोकस करती है या उनको तवज्जो देती है, लेकिन पिछले 5 वर्षों में भाजपा की सरकार में स्थानीय जो अभ्यर्थी हैं, जो युवा हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको लेकर के काफी निराशाजनक जो है वो देखने को। मैंने इसीलिए कहा कि ये इस बार पर बात होगी क्या आपकी भाजपा से? भाई मेरे, इसीलिए मैंने कहा है कि मेरी प्राथमिकता में स्टेट है, स्टेट के लोग हैं, और हमारे सहयोगी भी जब राज्य में लड़े तो उनके लिए राज्य के जनता के हितों को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। ये मेरा अपना व्यक्तिगत सलाह भी होगा, ये उसको इन चीजों पर इन पार्टियों को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि रीजनली एक लंबे संघर्ष के बाद प्रदेश मिला है, काफी उम्मीदें यहाँ के युवाओं को है। इसलिए मैंने कहा कि केवल सीट शेयरिंग के विषय पर हमारी बातें नहीं होंगी, मैंने कहा कई वैधानिक विषय है जो यहाँ के नौजवानों के हित में, राज्य के हित में, रच के जनमानस के हित में होगा, उन पर भी हम लोग बात करेंगे। जी,